विदेशी चुड़ैल। विनोद नाम का एक लड़का अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और उसके कमरे की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर विनोद की आंखें खुल जाती है और वो उठकर बैठता है। उसे महसूस होता है जैसे कि उसके कमरे के दरवाजे पर कोई है, जिसके बाद विनोद आवाज देता हुआ बोलता है, कौन है माँ? मैंने पूछा कौन है? इतना बोलकर विनोद अपने बिस्तर से उठता है और इस परछाई का पीछा करने लगता है और वो परछाई हॉल में आकर रुक जाती है, जिसके बाद विनोद परछाई को देखते हुए ऊपर देखता है और वो देखता है कि घर के हॉल की दीवार पर एक चुड़ैल चिपकी हुई है जिसके हाथ पैर उल्टे हैं, उसकी आंखें काली और आंखों से खून निकल रहा होता है। चुड़ैल को देखकर विनोद की चीख निकल जाती है। अब विनोद अपने कमरे की ओर भागने लगता है। उसकी आवाज सुनकर माँ सीता और बहन रेशमा की आंखें खुल जाती है। वो दोनों अपने कमरे से बाहर आती हैं। विनोद अपनी माँ से टकरा जाता है और नीचे जमीन पर गिरता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को चुड़ैल समझकर बोलता है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझसे ये गलती फिर कभी नहीं होगी, मैं उन लोगों का साथ छोड़ दूंगा और फिर शराफत की जिंदगी जीऊंगा। विनोद की बातें सुनकर सीता और रेशमा उसके पास जाती हैं और उससे बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, इतना डरा हुआ क्यों है और तू क्या बोले जा रहा है? अपने सामने अपनी माँ को देखकर विनोद अपनी माँ के गले लग जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ माँ वो मुझे मार डालेगी, उसने मेरे सभी साथियों को मार डाला है, अब मेरी बारी है, मुझे बचा ले माँ। विनोद की ऐसी बातें सुनकर सीता और रेशमा को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद रेशमा अपने भैया के कंधों को पकड़कर उससे बोलती है, भैया ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे और माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रेशमा के इतना बोलने पर विनोद होश में आ जाता है और वो अपने पसीने पोंछ कर अपनी माँ और बहन से बोलता है, नहीं कुछ नहीं, वो मैंने डरावना सपना देखा था, बस इसी वजह से मैं डर गया था। मैं अब ठीक हूँ, आप दोनों जाकर सो जाओ। अब विनोद झूठ बोलकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। वहीं सीता और रेशमा भी अपने कमरे में चली जाती है। विनोद सोने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर का कंबल हट जाता है और उसके ऊपर वही चुड़ैल आती है और उससे बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं, तो तुम्हें अपने घर वालों को अपनी सच्चाई बतानी होगी, वरना जिस तरह से मैंने तुम्हारे हर दोस्त को धड़पा धड़पा कर मारा है, उसी तरह से दो दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अब अगली सुबह खाने की टेबल पर बार बार विनोद अपनी माँ को देखता है और तभी वो अपने सामने की ओर देखता है और पाता है कि चुड़ैल उसके ठीक सामने बैठी है और इसे बार बार किसी सच को बताने के लिए बोल रही होती है, जिसके बाद भी विनोद सच नहीं बोलता और वहां से जाने लगता है। तभी वो चुड़ैल विनोद के पास आती है और उसका गला दबाकर उसे हवा में उड़ा देती है और वो चुड़ैल सीता और रेशमा सबको नजर आ रही थी, जिसके बाद चुड़ैल विनोद से बोलती है, अपने घर वालों को अपना असली रूप बता, वरना मैं तुझे अब भी मार डालूंगी। बेटा ये चुड़ैल कौन है और क्या बोलना चाहती है? भैया आप हम लोगों से क्या छुपा रहे हैं, आप हमें सच क्यों नहीं बता रहे भैया? रेशमा के इतना बोलने पर वो चुड़ैल विनोद को हवा में लटका देती है
और रोती हुई उन दोनों से बोलती है, मैं इंग्लैंड में रहती थी और एक ऑफिस में काम किया करती थी। हेलो, मे आई नो योर नेम प्लीज? हाय, आई एम जूलिया। ओह जूलिया, नाइस नेम। मैं जानती हूँ आप मुझे ऑफिस के बाद कॉफी ऑफर करने वाले हैं। हाँ, मगर हैरानी हुई कि मुझे कैसे पता कॉफी का? बहुत सिंपल है, नाम जानने के बाद बाकी की बातें कॉफी पर हो, ऐसा सभी चाहते हैं। मुझे उससे भी ज्यादा हैरानी तो इस बात पर हो रही है कि तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हो। मैंने इंटर्नशिप करते वक्त हिंदी सीखी थी। मुझे इंडिया बहुत पसंद है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की वाइब। सही कहा तुमने, इंडिया की तो बात ही अलग है। जब इतनी अलग बात है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे बस मत पूछो, मेरी माँ का सपना था कि मैं एक दिन बड़ा होकर विदेश में अपनी पढ़ाई करूँ और विदेश में ही जॉब करूँ, एक बड़ा आदमी बनूँ और जिंदगी में तरक्की करके बहुत खुश रहूँ। बस फिर क्या, माँ का सपना पूरा करने से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता था, तो ये लो, कर दिया माँ का सपना पूरा। विनोद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए यहाँ तक आ गए। बहुत खुश नसीब होगी वो लड़की जिसकी तुम्हारे साथ शादी होगी। हमारे इंडिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, जोड़े आसमान में बनते हैं, तो देखते हैं कि कौन होगी वो जिससे मेरी शादी होगी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ के ख्वाबों को सच करने तक कोई जिम्मेदारी उठाऊं, लेकिन अब तो माँ का ख्वाब पूरा हो चुका है, तो अब देखते हैं ऊपर वाले ने किसे लिखा है किस्मत में। जूलिया विनोद से बहुत इम्प्रेस होती है और दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन विनोद अपने दोस्तों के साथ रात को बियर पी रहा था। अरे यार, हम लोगों की किस्मत ही खराब है, इंडिया से आकर 6 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन जूलिया ने हमें कभी घास तक नहीं डाली और तुझे यहाँ आए 1 साल भी नहीं हुआ और उसे तुझसे प्यार हो गया। अरे रोहित, तुझे तो सिर्फ 6 साल हुए हैं, मैं तो तुझसे भी 1 साल पहले का आया हुआ हूँ, उसने 7 सालों में मुझे कभी घास तक नहीं डाली। ओए विनोद, जरा बता तो क्या है तेरी कामयाबी का राज? भाई देख रोहित, तू और मैं तो जूलिया के हुस्न पर फिदा थे, लेकिन विनोद को उससे सच्चा प्यार हुआ है, और लड़कियां सच्चा प्यार ही तो चाहती है, फिर चाहे वो देसी हो या विदेशी। मैंने तुम जैसे बुद्धू लोग आज तक नहीं देखे, कौन सा सच्चा प्यार, वो तो मेरे लिए बस एक सामान है और ऐसे सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का मेरा काम है। क्या समझे? बिजनेस बेटा, बिजनेस। मतलब क्या है तेरा? हम कुछ समझे नहीं, जरा खुल के बता यार हमें भी तेरे इस बिजनेस के बारे में। इसमें बताने वाली कौन सी बात है, बहुत आसान बिजनेस है। देखो, दूसरी कंट्रीज में जॉब करने के बहाने जाओ, किसी भी ऑफिस में कोई भी पोस्ट पर जॉब हासिल कर लो, फिर वहाँ एक लड़की पटाओ और उसे शादी के लिए राजी करो, फिर उसे शादी के बहाने दूसरी कंट्री में ले जाकर बेच दो और मोटी रकम कमाओ। अबे ये सही है यार, मतलब हम लोग जो 1 साल में कमाते हैं, तू तो एक झटके में कमा लेता है यार। अरे हमें भी अपने साथ मिला ले यार, हम भी थोड़े नोट छाप ले। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। विनोद ने मुझसे वादा किया था कि वो इंडिया लाकर मुझे तुम लोगों से मिलवाएगा और मुझसे शादी करेगा, पर एक दिन विनोद अचानक मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि वो मुझे तुम दोनों से मिलवाना चाहता है। मैं बेवकूफ इसकी पार्टियों में आ गई, इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे बेच दिया और गुंडों ने मेरा शोषण किया। उनके अत्याचार से बचने के लिए मैंने खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। उस चुड़ैल की कहानी सुनकर सीता और रेशमा को विनोद से नफरत होने लगती है
और सीता विनोद से बोलती है, मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। मैंने तुझे विदेश पढ़ने भेजा, नौकरी करने भेजा, और तू एक भोली भाली मासूम विदेशी लड़की को इंडिया लेकर आया और उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया। मुझे माफ कर दो, मैं पैसों की लालच में बहक गया था। मैं अच्छा बुरा सब भूल गया था माँ। भैया, आपकी खुद की बहन भी है, आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज आपके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, आप इसी के लायक हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अब गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। गलती तो तुझसे छापोगी ना विनोद, जब तू जिंदा रहेगा अब तुझे मरना ही होगा। इतना बोलकर चुड़ैल विनोद को भी मार डालती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। परंतु विनोद का असली रूप पता चलने के बाद रेशमा और सीता को उसकी मौत का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसके बेटे की यही सजा थी।